हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो ये देखिए एक जट्रोफा जो हमने कटिंग से तैयार किया है, और ये देखिए छोटे से पॉट में ही हमने इसको लगाया है और इसकी ग्रोथ देखिए फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। काफ़ी हेल्दी प्लांट है। तो आज हम लगाने वाले हैं गेंदे की कटिंग। तो ये जो गेंदा प्लांट है ये विंटर का फ्लावरिंग प्लांट है, मैरीगोल्ड। तो ये देखिए इस तरह के प्लांट मेरे गार्डन में हो रखे हैं काफ़ी, तो इनमें से ही मैं कटिंग लूँगी। और यहाँ पे देखिए कोलियस कितना हेल्दी है, और ये कोलियस जो है ना बहुत जल्दी लग जाता है, 2-3 दिन में ही इसकी कटिंग लग जाती है। इसमें बहुत सारी एरियल रूट्स बनी रहते हैं इन दिनों में बारिशों में। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से ये देखिए कितना अच्छा लुक है यहाँ पे। ये मैरून कलर का है, और भी दिखाते हो देखिए आप। यहाँ पर ये सारा कोलियस मैंने कटिंग से लगाया हुआ है, और ये देखिए कितना फैला हुआ है। और इसमें बस 2 प्लांट लगे हुए हैं, और इसकी खूबसूरती देखिए कितना सुंदर ये लग रहा है। बहुत ही सुंदर लगता है कोलियस प्लांट जो है। इधर देखिए ये वाला इतना जो इनकी जितनी पिंचिंग आप करोगे ना उतना ये फैलते हैं। तो खूबसूरत सा प्लांट, और बहुत ज़्यादा ग्रीनरी देता है ये, और काफ़ी सारे कलर हैं। एक देखिए ये है, एक यहाँ पे ये है, तो काफ़ी सारी वैरायटियाँ आती हैं इनमें। तो चलिए दोस्तों हम करते हैं वीडियो स्टार्ट, कटिंग लेते हैं मैरीगोल्ड की, कटिंग कैसे लगाते हैं और क्या है, किस टाइम पर आप लगाओगे तो बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग आपको करेगा वो, और जल्दी ही फ्लावरिंग आपको देखने को मिल जाएगी विंटर में आपके गार्डन में। तो इधर देखिए यहाँ से हम कटिंग लेंगे। तो ये देखिए ये प्लांट है मेरा जिसमें मैं कटिंग लूँगी, बहुत हेल्दी है। तो जब भी कोई कटिंग लें तो जिस प्लांट में से आप कटिंग लें वो हेल्दी होना चाहिए, कोई भी कीड़े वगैरह ना लगे। तो ये देखिए काफ़ी सारी इसमें बनी हुई हैं। तो चलिए हम लेते हैं कटिंग, छोटी छोटी कटिंग हमको लेनी है, ज़्यादा बड़ी नहीं, तो 3-4 इंच की काफ़ी है। तो ये देखिए इस तरह से हमको कटिंग लेनी है। तो एक हाथ से वीडियो हम शूट कर रहे हैं, तो एक हाथ से हम पकड़ भी नहीं पा रहे हैं, कटिंग हम नीचे से उठा लेंगे अभी। तो ये देखिए इनमें बर्ड्स भी बन गई हैं, ये देखिए तो काफ़ी हेल्दी है ये प्लांट जो है। तो ये देखिए इस तरह से कटिंग हम लेंगे, मैरीगोल्ड का कटिंग लगाएंगे। तो हेल्दी हेल्दी कटिंग है, देखिए कितना हेल्दी प्लांट है। तो निकाल लेते हैं कटिंग। तो ये देखिए हमने ले ली है कटिंग। तो जब भी कटिंग लगाएं, काफ़ी सारी कटिंग लगाएं, 1-2 कटिंग ना लगाएं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सभी कटिंग ग्रो हों। तो 5-7 कटिंग तो आप ज़रूर लगाएं एक साथ। तो अब इनकी पत्तियाँ जो है हम रिमूव कर लेते हैं सारी ही, सिर्फ ऊपर टिप पे हमको पत्ती छोड़नी है। जब भी कोई भी प्लांट की आप कटिंग लगाएं तो सारी पत्ती हमें उनकी जो है नीचे से रिमूव कर देनी है, और 2-3 नोड एरिया हमें मिट्टी में जाने देना है। कम से कम 2 तो हमें मिट्टी में दबाना ही चाहिए ताकि जो कटिंग है ना बहुत अच्छे से ग्रो हो। 2 नोड एरिया से ज़्यादा रूट्स निकलेंगी तो कटिंग हमारी हेल्दी बनी रहेगी, और ज़्यादा रूट्स मिलेंगी तो प्लांट को भी तैयार होने में ज़्यादा इम्यूनिटी मिलेगी, उसको अच्छी ताकत मिलेगी। तो जड़ों से ही प्लांट हमारा ग्रो करता है, तो जड़ें ज़्यादा बनेंगी, जितनी ज़्यादा होंगी उतना ही प्लांट हमारा हेल्दी होगा। तो 2 नोड एरिया हमारे मिट्टी में जाने चाहिए। तो चलिए इनकी जो है सारी पत्तियाँ हम रिमूव कर लेते हैं। तो इधर देखिए हमने सारी कटिंग की पत्तियाँ जो है रिमूव कर ली हैं, देखिए कितनी हेल्दी सी हैं सारी ही, और इनमें बिल्कुल शार्प कट लगाना है हमको। तो ये देखिए ये जो कटिंग है ना इसको हम बिल्कुल यहाँ से, बिल्कुल नोड एरिया है ये पत्तियों का, इसके बिल्कुल ठीक नीचे से ही हम कट करेंगे, तो रूटिंग जल्दी हो जाएगी इसमें नीचे के। ये देखिए इस तरह से, अब देखिए बिल्कुल नोड एरिया के नीचे से ही हम कट करेंगे, और इनको लगा लेंगे हम एलोवेरा जेल। तो जब भी कोई कटिंग लगाती हूँ मैं एलोवेरा जेल का ही यूज़ करती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से हमको डिप कर लेना है जेल में अच्छे से। तो ये एंटी फंगल का काम करता है और बहुत जल्दी रूटिंग होती है इससे। मैं हर कटिंग मेरे गार्डन में इसी से लगाती हूँ, तो कोई भी रूटिंग हार्मोन की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। और मैरीगोल्ड की जब भी कटिंग लगाएं मौसम देख लें आप, बारिश का होना चाहिए। देखिए मेरे यहाँ पे बारिश हो रही है इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में इसकी कटिंग ना लगाएं, क्योंकि ये जो इसकी स्टेम है बिल्कुल सॉफ्ट होती है, तो इनको ज़्यादा तेज़ धूप और ज़्यादा गर्मी पसंद नहीं है, क्योंकि ये विंटर का ही प्लांट है, तो इसको ठंड ज़्यादा पसंद है, ठंडा मौसम जो होता है। तो जब भी लगाएं इसको मौसम ठंडा होना चाहिए तभी लगाएं। जब इसकी कटिंग जो है 100% आपकी ग्रो हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में अगर आप लगाओगे तो कटिंग आपकी ग्रो नहीं होगी, तो मौसम देख के ही आप लगाएं। वैसे हमें ट्राई करते रहना चाहिए हर मौसम में, धूप हो चाहे बारिश हो कैसा भी हो, हमें कटिंग जरूर लगाते रहना चाहिए, ट्राई करते रहना चाहिए। ये देखिए सभी में एलोवेरा जेल लग गया है हमारा, और इसको मिट्टी कैसी देनी है, मैंने तो इसमें देखिए 1 हिस्सा मिट्टी है, 1 हिस्सा इसमें रिवर सैंड है, बजरी वगैरह जो भी आपके पास हो, बजरी हो तो बहुत अच्छा है। तो रिवर सैंड क्या ज़्यादा बारीक होता है, तो बजरी थोड़ी मोटी होती है, तो उसमें पानी का ड्रेनेज अच्छा होता है। तो ये मैंने 2 हिस्से लिए, 1 भाग मिट्टी और 1 भाग इसमें सैंड लिया है। तो आप चाहो तो मिट्टी कम डाल सकते हो, सैंड ज़्यादा डालें तो और अच्छा रहेगा। तो बस इसको इसी तरह से हम मिट्टी देंगे, और ये मैंने छोटा सा बैग लिया है 1-2-3 इंच का। तो इस तरह से हम पहले होल बना लेंगे सभी के, देखिए। और इसको हम अभी जब बारिश होती रहती है तो बारिश में रखें, और बाकी टाइम इसको किसी पॉट मिट्टी, किसी पॉट की मिट्टी में रख दीजिए, इस तरह से पॉट पे रख दीजिए। तो ये देखिए इस तरह से ये जो नोड एरिया हैं, 2 नोड एरिया हमारे मिट्टी में जाने चाहिए, ये देखिए
और ये देखिए कितना बुशी है ऊपर से, इसमें थोड़ी छोटी सी एक बर्ड्स बनी हुई है, तो इसको हम कट कर देंगे। तो ये देखिए कितने ब्रांच इसमें हैं, तो ये हमारा अभी से घना हो जाएगा प्लांट जो है। इसी तरह से कटिंग लगानी है बस, और कुछ नहीं, ज़्यादा बड़े पॉट में नहीं लगानी है। आप चाहो तो देखिए इस तरह के पॉट में भी आप लगा सकते हो, 3-4 इंच के पॉट में, छोटे पॉट में, तो ये कटिंग जल्दी तैयार हो जाएंगी। क्योंकि ज़्यादा बड़े पॉट में आप लगाओगे तो मिट्टी उसमें ज़्यादा होगी, तो इसमें ज़्यादा पानी रहेगा ना, तो फिर इनका गलने का भी डर रहता है, क्योंकि इनकी स्टेम जो है बिल्कुल सॉफ्ट है, अभी सॉफ्ट वुड होती है इनकी। ये देखिए बहुत ही अच्छे से हमारी कटिंग जो है लग के तैयार हो गई है। इसी तरह से हमको कटिंग लगाने भी, बस थोड़ी सी बातों का ध्यान रखना होता है कटिंग लगाते टाइम, तो वो मैंने आपको बता ही दी है सारी। तो इसी तरह से आप कटिंग लगा सकते हैं। तो ये देखिए कितने सारी कटिंग मैंने लगा दी हैं। तो अब इसको हम इस तरह से किसी पॉट में रख देंगे, और चाहो तो आप बड़े पौधे के नीचे आप रख सकते हो उसके पॉट में, तो उसकी छाया में, बिल्कुल इसको छाया में रखिए। अभी जब इसमें नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी तब आप इसको 1-2 घंटे की धूप इसको मिल जाए, सुबह के 1 घंटे की, ज़्यादा नहीं, तो ऐसी जगह रखिए। और बस इसको पानी जब दें, जब इसमें मिट्टी सूखे, ज़्यादा पानी इसको नहीं देना है। तो ये एक विंटर फ्लावरिंग प्लांट है, आप सभी जानते हो मैरीगोल्ड को, तो कौन नहीं जानता। तो ये देखिए अच्छे से लग गई है कटिंग। इसी तरह से आप भी इस टाइम पर कटिंग लगा लोगे तो जल्दी आपको फ्लावरिंग देखने को मिल जाएगी आपके गार्डन में विंटर में। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने लगाई है गुलदावरी की, अब इनको भी मैं जो है दूसरे पॉट में लगाऊंगी, थोड़ी और इसमें 1-2 पत्तियाँ आ जाएंगी तब। तो इसी तरह से देखिए कटिंग आपको लगा लेनी है। तो बस दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय दोस्तों।